बैक टू माय ब्लॉग। सो गाइस स्वागत है आप लोगों को फिर से एक नए वीडियो में। सो गाइस इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को दर्शन करवाने वाले हैं बिहार और झारखंड के सबसे ऊंचा मंदिर का। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस तो जिस मंदिर के बारे में हम आप लोगों को बताए थे फाइनली उस मंदिर पे पहुंच चुके हैं, देख सकते हैं। ये बिहार के बेगूसराय जिले के बिहट गांव में स्थित ये मंदिर है। अब चलते हैं मंदिर के अंदर और फिर आप लोगों को दर्शन करवाते हैं। सो कंटिन्यू ब्लॉग में हमारे साथ बने रहिएगा। सो चलते हैं मंदिर के अंदर। मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं, देख सकते हैं, और इस साइड देख सकते हैं पूजा हो रहा है। और ये मंदिर पूरे बेगूसराय में सिद्धिपीठ बड़ी दुर्गा स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। अगर आप लोगों को माता का दर्शन करना हो तो आप लोगों को नवरात्रि में आना पड़ेगा। तब तक के लिए हम आप लोगों को फोटो में दर्शन करवा देते हैं। नवरात्रि में आइए, काफी बड़ा भव्य मेला भी लगता है, तो आप लोग माता का दर्शन भी कर सकते हैं और काफी बड़ा भव्य मेला भी यहाँ पे लगता है। तो आप लोग आसानी से आके देख सकते हैं, दर्शन कर सकते हैं, घूम सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, सभी कुछ कर सकते हैं। तो नवरात्रि में आइए। और गाइस अभी हम जा रहे हैं मंदिर के ऊपर, अगर देखते हैं कि अगर ऊपर से कुछ आप लोगों को दिखा पाए तो दिखा देंगे। सो अभी हम चल रहे हैं मंदिर के ऊपर, क्योंकि आप लोगों को दिखाए थे कि मंदिर कितना ऊंचाई पर है, यानी कितना ऊंचा ये मंदिर है, और ऊपर भी आ सकते हैं, देख सकते हैं सीढ़ी बना हुआ है ऊपर आने के लिए, लोग ऊपर भी आके घूम सकते हैं। और अभी हम फर्स्ट फ्लोर पे आ चुके हैं, उसके ऊपर भी जाएंगे। ये मंदिर बेगूसराय स्टेशन से 20 किलोमीटर के दायरे में है और बरौनी स्टेशन से 4 किलोमीटर के दायरे में स्थित है। तो आप लोग अगर आना चाहते हैं तो आसानी से आ सकते हैं। तो हम फाइनली ऊपर आ चुके हैं और हमारी आवाज देख सकते हैं कितना गूंज रहा है। वाह, तो 2 फ्लोर तक आप आ सकते हैं, उसके बाद कुछ इस तरह का आप लोगों को देखने को मिलेगा। गूंज रहा है हमारा आवाज, और इधर लॉक है, नहीं तो हम उस तरफ जाके आप लोगों को दिखाते हैं। कोई बात नहीं, इससे नीचे वाले में आसानी से जाके घूम सकते हैं। तो उसके नीचे हम जाके आप लोगों को पूरा घुमाते हैं, मंदिर के आसपास का एरिया भी आप लोगों को दिखा देंगे। ये मंदिर 3 फ्लोर का है, जो कि देख सकते हैं फर्स्ट, और अभी हम सेकंड पे हैं, और ऊपर जो कि काफ़ी अंधेरा है तो ऊपर सबसे लास्ट है। तो अभी हम बीच वाले पे हैं और ऊपर से मंदिर के नीचे का जो टॉप व्यू है और आसपास के जो गांव है वो सभी कुछ हम आप लोगों को दिखाएंगे बैक कैमरे से। सो दिखाते हैं। और आप लोगों को बता दें कि इस मंदिर की ऊंचाई लगभग 220 फीट है, बिहार और झारखंड का सबसे ऊंचा मंदिर माना जाता है, जो कि देखने से आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि बहुत ही ज्यादा ऊंचाई का ये मंदिर है, जो कि देख सकते हैं मंदिर से नीचे का कुछ इस तरह का आप लोगों को भी देखने को मिलेगा। और गाइस आप लोग देख सकते हैं नीचे मंदिर के सामने काफी अच्छा सा स्पेस है, काफी बड़ा स्पेस है,
मंदिर के जस्ट सामने में ही, और मंदिर द्वारा ही देख सकते बनाया गया वहाँ पे मंच है, और मंदिर के एकदम से सामने में दोनों तरफ देख सकते हैं फूल लगाया गया है जो कि काफी खूबसूरत लग रहा है, और बीच में एक बड़ा सा घंटा भी है जो कि काफी अच्छा लग रहा है, और यही बीच में मंदिर जाने का मेन रास्ता है। इसी रास्ते से होकर आप लोग मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकते हैं। काफी पुराना ये मंदिर है, पहले उतना अच्छा नहीं था, लेकिन 14 फरवरी 2019 को इस मंदिर को भव्य बनाने का काम शुरू हुआ था, और आज के तारीख में ये मंदिर पूरी तरीका से बनकर तैयार हो चुका है जो कि देखने में काफी खूबसूरत लग रहा है। देख सकते हैं बहुत ही बड़ा ये मंदिर है जो कि बिहार और झारखंड के सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है, और सच में अगर आप यहाँ पे आके देखते हैं तो ये मंदिर की ऊंचाई बहुत ही ऊंचा है, नीचे से आपको इस तरह से देखना पड़ेगा तब आपको मंदिर दिखेगा। चारों तरफ गांव के बीच में ये मंदिर है, लेकिन आपको ये मंदिर दूर से ही दिख जाएगा, यानी अगर आप बेगूसराय रूट से आते हैं, बरौनी रूट से आते हैं, किसी भी रूट से आप आते हैं तो मंदिर जो आपको दूर से देखने को मिल जाएगा। आप कहीं पर भी रहते हैं तो आपको मंदिर का ऊंचाई इतना है कि आपका मंदिर का जो थोड़ा सा ऊपर का जो बाहर है वो आप लोगों को दिख जाएगा, आसानी से मंदिर तक पहुँच सकते हैं। और अभी हम आ गए मंदिर के नीचे, सबसे पहले इस तरफ चलेंगे और फिर आप लोगों को बताते हैं ये क्या है। देख सकते हैं ये जो बना हुआ है ये स्पेशल नारियल फोड़ने के लिए बनाया गया है। अगर आप लोग आते हैं तो इसी जगह पे आप लोग नारियल फोड़ सकते हैं। नवरात्रि में काफी ज्यादा भीड़ होता है, इसके लिए ये देख सकते हैं लाइन लगने के लिए बनाया गया है। दो बनाया गया है, पुरुष और महिला के लिए अलग अलग है, तो दोनों तरफ से आप लोग आसानी से आके नारियल फोड़ सकते हैं। और ये है दो काउंटर बना हुआ है, अपना इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं मंदिर के नाम पे, क्योंकि एक काउंटर इस साइड बनाया गया है और एक काउंटर उस साइड बनाया गया है। तो पहले इस तरफ आप लोगों को पूरा दिखाते हैं और फिर उस साइड भी चलेंगे। अच्छा, अब समझ में आया कि ये मंदिर में ये जो है ये 1 लाख से अधिक वाला का नाम इस तरफ, यानी कि मंदिर में जो दान किए हैं ये बनाने में उनका यहाँ पे नाम लिखा गया है, जो कि देख सकते हैं 1 लाख से अधिक वाले का इस साइड है, 50,000 से अधिक वाले का, यानी कि बहुत लोगों का योगदान है इस मंदिर को बनाने में, जो कि देख सकते हैं इधर काफी, यानी कि 20,000 बहुत ज्यादा ही यहाँ पे चढ़ा है, करोड़ों रुपया खर्चा हुआ ये मंदिर बनाने में। और अभी हम दूसरे साइड आ गए हैं, यहाँ पे देख सकते हैं मंदिर का जो दान कक्ष है यहाँ पे बनाया गया है, अपने इच्छा अनुसार दान कर सकते हैं। और यहाँ पे मंदिर का जो है स्पेशल बैंक का जो अकाउंट नंबर है वो भी आया, आईएफएससी कोड भी लिखा हुआ है, और सीसीटीवी कैमरा ऊपर लगा हुआ है, और नीचे दो है, शायद नवरात्रि में खुलता होगा, अभी तो फिलहाल बंद है। परिक्रमा कक्ष है इधर, देख सकते हैं मंदिर के साइड से आप परिक्रमा कर सकते हैं, और इधर पेयजल का भी सुविधा है, यहाँ पे पानी पी सकते हैं, और जूता चप्पल जो है वो आप लोग बाहर ही खोल सकते हैं, उसके लिए वहाँ पे स्पेस बनाया गया है। बात करते हैं मंदिर की आस्था के बारे में, तो आप लोगों को बता दें कि सभी श्रद्धालुओं का मन का मनकामनाएं पूरी करती है माँ दुर्गा, सच्चे दिल से मांगे हुए सभी श्रद्धालुओं का मन का मनकामनाएं पूरी करती है माँ दुर्गा। और यहाँ का पुजारी जी का भी कहना है कि अगर आप सच्चे दिल से जो कुछ भी आप माँ के दरबार में मांगते हैं उनकी मनकामनाएं जरूर पूरी करती है माँ दुर्गा। स्थान पे यानी कि माता के दरबार में काफी दूर दूर से लोग आते हैं माता के दरबार पूजा अर्चना करने के लिए, क्योंकि ये राज्य का सबसे बड़ा मंदिर है, और नवरात्रि में काफी बड़ा भव्य मेला भी लगता है, और काफी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं द्वारा यहाँ पे पूजा अर्चना होता है। तो गाइस, आप लोग कभी टाइम मिले तो नवरात्रि में इस जगह पे जरूर आइए, क्योंकि वो जो दृश्य है नाम आप लोगों को बता नहीं सकते। सो गाइस, वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, आई होप आप लोगों को ब्लॉग पसंद आया होगा। इस ब्लॉग के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय। अगर आप हमारे चैनल पर नए तो प्लीज गाइस चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। So, bye-bye.